हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता और गीता के गीता सिंह रेसिपीज चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बच्चे हों या बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। तो आओ देखते हैं आज की रेसिपी कि ये क्या है और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और ये कैसे बनेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम बना रहे हैं दाल पकवान, तो सबसे पहले हम दाल पकवान बनाने के लिए दाल को भिगो दिया था। तो मैंने इसे भिगो के अच्छे से धो लिया, तो आपको दिख रहा होगा कि यह बहुत अच्छे से फूल गई है। अब इसे हमें बनाना है, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कुकर और इस कुकर में सारी दाल को जिसको हमने धो के रखा है उसे डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे इसमें नमक और हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर और जितनी हमने दाल ली थी उसका 3 गुना डाल देंगे इसमें पानी। अगर आपने 1 कटोरी दाल ली है तो आप उसमें 3 कटोरी पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपने दाल को भिगोया नहीं है तो आप इसमें इस टाइम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें जिससे दाल जल्दी गल जाएगी। अब इसमें हम 2-3 सीटियाँ लगाएंगे या जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। इसमें मैं 2 कटोरी आटा ले रही हूँ। इससे मैं बनाऊंगी आज दाल पकवान। ये है मेरे पास थोड़ी सी अजवाइन, इसे हम थोड़ा सा क्रश करेंगे और इस तरह से इसमें डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देंगे हम नमक, थोड़ा डाल देंगे इसे हम और। इसे अच्छे से हाथ से इस तरह से मिक्स कर देंगे। मोइन डालने से एक तो ये कुरकुरी बनेगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो देखो ना, ये ज़्यादा मोइन है, ये मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो उधर हमारी दाल भी गल रही है और इधर ही हमने अपने पकवान का आटा भी लगा के तैयार कर दे रहे हैं। तो ये हमारा पकवान का डो भी लग के देखो तैयार हो गया। इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे। फ्रेंड्स, ये दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देंगे अपने चमचे से और गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई जिसमें हम लगाएंगे तड़का। फ्रेंड्स, ये मेरी ऑयल की कढ़ाई थी तो मैंने इसी में थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म हो गई, इसमें डाल देंगे जीरा, लहसुन, ये प्याज, थोड़ी सी डाल देंगे ये हींग और इन सबको पिंक होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से भून चुकी है, इस टाइम हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में डाल देंगे हरी हुई कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। ये है मेरे पास कटे हुए टमाटर, ये डाल देंगे और इन्हें अच्छे से चलाएंगे। ये मैंने 2 टमाटर कट किए थे, 1.5 टमाटर को इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा कटा हुआ बचा लिया है, थोड़े कटे हुए बचा लिए हैं जो हमें बाद में लगेंगे। और ये है मेरे पास 4 कश्मीरी लाल मिर्च, ने भी डाल देंगे और थोड़ा सा इन सबको अच्छे से भूनेंगे।
अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर। इन सबको डाल के अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ा सा जो हमारी दाल का पानी है उसे डाल देंगे इसमें, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे कि जिससे पानी टमाटर सब आपस में मसाले मिक्स हो जाए। और अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे। अभी एक बार इसे खोल के चेक कर लेते हैं, टमाटर अच्छे से गल गए हैं और मसाले भी भून चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम अपनी उबली हुई दाल। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से 5 मिनट तक हम पकाएंगे जिससे कि तड़का और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, मसाले और दाल आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे ऊपर से कुछ और चीज़ें जिससे हमारी पकवान के साथ खाने वाली दाल तो हो जाएगी तैयार। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, देखिएगा कि मैं इसमें अभी और क्या क्या डालने वाली हूँ और पकवान कैसे बनेंगे। तो हमारी ये दाल अब तैयार होंगे जिसे मैंने इस बाउल में डाल दिया है। तो इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। ये है मेरे पास अदरक के कुछ पीसेस, ये हरी मिर्च, और ये इस तरह से टमाटर। फ्रेंड्स, हमारी तो ये दाल तो बनके तैयार हो गई है। अब मैं पकवान बनाती हूँ, तो खाने के लिए दाल बिल्कुल तैयार है। इसे हम साइड रख देते हैं। फिर से मैंने पैन रख दिया और पैन में डाल दिया ऑयल। जितनी ये गर्म होता है इतने हम पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पकवान का आटा भी बिल्कुल तैयार है। इसे हम साइड में रखेंगे और ले लेंगे चकला, और ये जो हमारा से इसकी लोइयां बना लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से बना लिया, आपको जितनी बनानी हो उतनी बना ले। अभी इन सबको साइड में रखते हैं। तो एक पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल के बाद जैसे बन गई है हमारी पूरी रोटी, फिर हम एक फोक लेंगे और एक फोक से इस पर इस तरह से होल्स कर देंगे जिससे कि ये फूले ना। क्योंकि हम पकवान बना रहे हैं तो ये पूरी की तरह में फुलानी नहीं है। तो ये मैंने कर दिया है। इसी तरह दूसरी रोटी को भी लेंगे। हो चुका है हमारा ऑयल गरम। हमने ये जो रोटी बनाई है इसे इसी में इस तरह से फ्राई करेंगे। अभी इसे हम उस तरफ से पलट लेंगे। तो
जितनी ये पक रही है हम एक और बेल लेते हैं। तो ये रोटी भी बनके तैयार हो गई है। इसको भी हम फोक से इस तरह से गोंद देंगे कि जिससे हम इसे फ्राई करें तो वो ऊपर फूले ना। अब हम इसे बिल्कुल निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इसमें हम दूसरे पकवान को डालेंगे जिसे हम बना रहे हैं। हम इसे लेंगे को निकालेंगे इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर दिख रहे हैं हमारे कितने अच्छे क्रिस्पी से पकवान बन के तैयार हुए हैं। इसे हम इसी तरह से धोएंगे और अब इसे हम कैसे सर्व करेंगे आप देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पकवान था इसका मैंने चार पीसेस में कट कर लिया है और साथ में एक कटोरी में डालिए दाल और इस दाल के ऊपर डालेंगे हम सबसे पहले हरा धनिया कुछ इस तरह से और अब डालेंगे इसके ऊपर कटे हुए टमाटर। फ्रेंड्स आप एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके घर में छोटे बड़े सब मांग के खाएंगे बार बार, क्योंकि ये रेसिपी जितनी आसान बनाने में है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। और ऊपर से रख दी है मैंने दो हरी मिर्ची, तो मेरे तो दाल पकवान खाने के लिए हो गए हैं तैयार। अगर आपको मेरी दाल पकवान की रेसिपी पसंद आई हो जो है सिंधियों की फेवरेट, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साइड में बने हुए बेल के आइकॉन को भी दबा लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे। तो मैं चलती हूँ फिर।